कोई किस्सा, कोई संस्मरण, कोई किस्सा, कोई सरदार भगत सिंह का जो आपके अपनी पीढ़ी में आप बड़े से बचपन से सुनते आए हैं, कुछ एक भी होगा जो आपको कुछ संस्मरण में होगा कि कभी आपकी माँ ने बताया या फिर ये बात चलती आ रही होगी? क्योंकि बहुत सारे किस्से तो लोग नहीं जानते, सरदार भगत सिंह का अपना एक जीवन है, लेकिन उसके अलावा कोई जो किस्सा है? मेरे मदर को जब शहीद भगत सिंह को फांसी लगी तो 10-11 साल के थे, कोई थोड़ी बहुत मेमोरी उनके पास, लेकिन मैं अपने नानी जी के पास रही हूँ, मेरी खुशकिस्मती है मैं कुछ साल उनके पास रही हूँ, तो उनसे बहुत बातें सुनने को मिलती, रोज सुनाते थे। लेकिन एक बात में जो मेरे को लगती है भाई, वो धर्म के बारे में बहुत वो कहते थे, ये जो मानते हैं ना चीज़ें और ये जादू टोना, वो इसके बहुत बार, तो नानी माँ थी तो वो सोच के कोर्ट में फैसला होना, तो वो छोटे बच्चे का एक जो पहले दिन कपड़ा पहनाते हैं ना, तो वो लेके गए, उसको हमारे पंजाबी में गुआछड़ी बोलते हैं, कि उनका यकीन था कि विश्वास था कि वो लेके जाने से फैसला उनके हक में होगा, उनको फांसी नहीं होगी। तो मामा जी मजाक से उनको भगत मजाक से अपने माता जी को बोले, माता जी ये क्या लेके आए हैं, को पीछे कर रहे थे, कहते नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कहते नहीं कुछ तो लेके आए, तो उसने पकड़ लिया वे ये छोटे बच्चे का पोशाक है, तो उनको पता था कि क्या ट्रेडिशन है, क्या सोचते हैं लोग, तो कहते माता जी ये अब मैं नहीं पहनूंगा, अब दूसरे बच्चे को जो आएगा मेरा बहन भाई उसको पहनाना, मैं तो पहन लिया, मेरे को इस बात पे कोई यकीन नहीं है, आप इसको वापस ले जाओ, उन्होंने ले लिया।